This is Professor J.S. Batra, and today I'm going to take the subject Why Students Fail So Often. This was the main subject which we were talking about. But since the announcement has also come out from the Institute of Chartered Accountants of India about the examination to be conducted and opt-out option, so we will be discussing this also. And also, yesterday we also saw the sad demise of Sushant Singh Rajput. So I have something in mind also, and I have been talking over our education system since long. So I will be talking on this topic also. So three topics will be discussed. हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए कह दूं, आज हम तीन बातों पर डिस्कस करेंगे. आज का हमारा मेन सब्जेक्ट तो है क्यों सीए के स्टूडेंट में बच्चा अक्सर पास नहीं कर पाता है, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है इतनी मेहनत के बाद भी. और चूंकि आज सुबह इंस्टीट्यूट ने एक अनाउंसमेंट दिया है कि हमें किस तरीके से एग्ज़ाम देने हैं, ऑप्ट आउट करना है या हमें नवंबर में देना है, और क्या क्लैरिटी और क्या उसके बारे में बात करनी चाहिए, बच्चे बड़े कन्फ्यूजन में हैं. सुबह से काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास भी SMS, फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप पे मैसेजेस और ट्विटर पे मेरे पास मैसेज आ चुके हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे. और तीसरी बात करेंगे जो कि कल घटना हुई थी, हमारे सबके प्रिय एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे फॉर व्हाटएवर रीजंस. बड़ा दुखद था ये, और मैं इस सब्जेक्ट पे बहुत पहले से बात करता आया हूँ. और चूंकि इस इंडस्ट्री का मैं एक वेटरन भी हूँ, करीब 31 साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए, और मैं केवल 31 इयर्स एंड 62 सी एग्जाम अटेम्प्ट से सीए स्टूडेंट्स को ही नहीं पढ़ा रहा. आई एम टीचिंग माय इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड आई एम टीचिंग माय मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ऑल्सो. और मैं हर प्लेटफॉर्म पे बात जरूर कहा करता हूँ, द स्टूडेंट्स आर स्ट्रेस्ड आउट, और हमें मिल के इसका कोई तरीका निकालना चाहिए. और ऐसा इंडस्ट्री में भी है और ऐसा हर जगह भी है. तो आज के तीन टॉपिक रहेंगे जिन पर हम बात करने वाले हैं, और उसके बाद हम इस फोरम को ओपन कर देंगे आपके क्वेश्चंस के लिए. अभी मैं इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से वन वे रख रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू डिलीवर टू यू, पहले उस पर बात करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का पहला टॉपिक हमारा था क्यों सीए स्टूडेंट फेल कर जाते हैं सो ऑफन. मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं आपको स्टैट्स बताना चाहूँगा, क्या इंस्टीट्यूट्स के स्टैट्स हैं, और ये कोई छुपे हुए नहीं है. यू कैन गो टू द इंस्टीट्यूट वेबसाइट www.ica.org which any one of you is generally visiting. उसके आप स्टैट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको फिगर्स मिलेंगे. मैं आपको तीन लेवल के फिगर्स बताने जा रहा हूँ. एज फार एज सी ए फाउंडेशन इज कंसर्न, मैंने जस्ट आज ही उसे चेकआउट किया है. मे 18 में और मे 19 में इंस्टीट्यूट का रिजल्ट करीब 18% था पास आउट का. सी ए इंटर की मैं बात करूँ, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, रफली इट इज ऑल्सो 18%. और मैं जहां तक बात करूं फाइनल एग्जाम की, तो ओल्ड और न्यू कोर्स भी मना लो आप, तो ऑन एन एवरेज इट इज ऑल्सो 18%. सो इन जनरल हम देखें तो सीए का रिजल्ट करीब 18% तक रहा करता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ 100% आर अपियरिंग इन द एग्जाम देन ओनली 18 स्टूडेंट्स आर गेटिंग थ्रू, रिमेनिंग 82 आर अगेन अपियरिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. इट्स ए लार्ज नंबर. मेरे ख्याल से ये हम सबके लिए बड़ा शॉकिंग है. मेरे ख्याल से ये भी आप सब लोग मानेंगे इस बात को कि इंस्टीट्यूट का जिस तरीके से शुरू से तरीका रहा है, एक बहुत ही अच्छे कैलिबर पे वो अपने पेपर्स को सेट करती है और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करती है. और मेरे ख्याल से किसी दूसरे और एग्ज़ाम के मुकाबले हमारे यहाँ का लेवल हमेशा ही अच्छा और सुपीरियर रहा है. और एज यू ऑल नो, इट हैज़ बीन recorded as one of the world toughest course in the Guinness Book of World Records also. तो ये हमें जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों है कि केवल 18 बच्चा ही पास कर पा रहा है and remaining 82 are not. साथ साथ मैं बता दूं इस रिजल्ट के कारण इस समय तक भी देश भर में till now only more than 3 lakh chartered accountants are serving in the country, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में सर्व कर रहे हों या अपना ऑफिस सेटअप कर रहे हों. अगर मैं बात करूं 135 करोड़ पीपल इन द कंट्री एंड ओनली 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ यू गो बाय द परसेंटेज इट इज ओनली 0.0002. इसका मतलब बहुत ही कम है. लुकिंग एट इंजीनियर्स, लुकिंग एट डॉक्टर्स, लुकिंग एट अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, वी फाइंड द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इज सो डिफिकल्ट कि ओनली दैट मच पर्सन आर बींग पास्ड आउट.
या हम कह सकते हैं इतने ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे पास, और उसमें भी कई लोग प्रैक्टिस में नहीं है, है ना, कई लोग टीचिंग फील्ड में हैं, कई लोग कुछ और काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मैं अपने अगर इस ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं, सिंस लास्ट 31 इयर्स एंड 62 एग्जाम अटेम्प्ट्स, तो एक बात मैं जरूर कह सकता हूं, सीए पढ़ने वाला बच्चा और सीए करने वाला बहुत ही हिम्मती बच्चा होता है। तो एक बार मैं चाहूंगा आप सब लोग अपने लिए क्लैप जरूर कर ले कि आप उस फ्रटर्निटी से आया करते हैं जो मेहनत से नहीं डरा करता, 12 से 14 घंटे लगातार पढ़ता रहता है। वो बात अलग है कि हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे, और आज अपन उसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज रॉन्ग इन द वे यू स्टडी, और व्हाट इज रॉन्ग इन विच यू वांट टू अचीव समथिंग। तो मैं जैसा आपको कह रहा था, मैं अपने पिछले 31 सालों के और 62 सीए एग्जाम अटेम्प्ट्स को समराइज करूं तो मैंने इस दुनिया को चेंज होते देखा है। आई स्टार्टेड टीचिंग इन सिंस 1989 व्हेन आई वाज टेकिंग माय एमसीए कोर्स, और स्टार्टिंग विद ए मॉडेस्ट 2 स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव गॉन टू ऑलमोस्ट 2 लाख स्टूडेंट्स। अब तक मैं करीब 2 लाख बच्चे पढ़ा चुका हूँ डिफरेंट मोड्स में, फेस टू फेस, ऑनलाइन, फ्रेंचाइजी मोड, पैन ड्राइव, इवन अदर मोड्स पे भी। और अब तक मैं कह सकता हूँ आप लोगों को करीब 200 बच्चा हमारे से पढ़ के ऑल इंडिया रैंक्स पे आ चुका है, और करीब करीब 20,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस समय हमसे पढ़े हुए इंडियन अब्रॉड में कहीं ना कहीं सर्व कर रहे हैं। सो वी हैव आर ओन लेगेसी। जहां तक बात आती है कि पढ़ाने की, मैं आपको बताऊं, मैंने तीनों लेवल पढ़ाए हैं, सीए फाउंडेशन भी पढ़ाया है, सीए इंटरमीडिएट, और जिसको ओल्ड में, ओल्ड जमाने में सीआईपीसीसी कहते हैं, वो भी पढ़ाया है, और सीए फाइनल भी पढ़ाया है। मैंने स्टूडेंट्स के फेस को काफी चेंज होते देखा है। मैं अगर बात करूं, जब मैं 1989 में पढ़ाया करता था, बच्चे के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, वो या तो अपना सेल्फ घर पे पढ़ा करते थे, जैसे आज भी मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, या फिर वो मैक्सिमम बच्चा जो होता था वो किसी न किसी हमारे जैसे टीचर से पढ़ लिया करता था। लेकिन वो अपने एक टीचर के पास में अपने को कंसंट्रेट करके ही पढ़ा करता था। आज आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, ये अपने आप में एक एडवांटेज की स्थिति भी है और एक कंफ्यूजन भी क्रिएट किया करता है। मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ, भगवान अपना एक ही बनाना चाहिए, ऐसे ही टीचर अपना एक ही बनाना चाहिए, देन हैव कंप्लीट फेथ ऑन इट। अगर आपने अपना एक टीचर चुन लिया है तो फिर अपना पूरा फेथ बनाए रखें, क्योंकि उसके बिना आपके नैया पार लगाना मुश्किल है। अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर जो होते हैं वो अपना टीचर तो चुन लेते हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कई और टीचर्स को भी परसू करना शुरू कर देते हैं, उनकी बुक्स को भी, उनके चीज़ों को भी करने लग जाते हैं, तो फिर पता नहीं लगता है कि उनको क्या उनका ठीक रहेगा करना, उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। सो फर्स्ट मेक योर माइंड एज वेरी क्लियर माइंड, और आई वॉन्ट टू से देर आर नो शॉर्टकट्स, देर आर नो शॉर्टकट टू द सक्सेस, है ना। आजकल बड़ा चल पड़ा है, मैं देख भी रहा हूँ यूट्यूब के जमाने में, कई लोग आपको फास्ट ट्रैक से पढ़ा देते हैं, कई लोग आपको चार्ट से पढ़ा दिया करते हैं केवल, और कई लोग कहते हैं आओ मेरे को कम समय में पढ़ा दूंगा मैं उसको। देखो भाई, जितना समय किसी चीज में लगना होता है उतना तो जरूर लगा करता है ना, हथेली पे सरसों नहीं उगाई जा सकती, है ना, ये कहावत है हमारी पुरानी, इट टेक्स ऑलमोस्ट 9 मंथ्स ए बेबी टू बी टू टेक ए बर्थ, है ना। ठीक है, प्रीमेच्योर बेबी भी हो जाती है 7-8 मंथ में, लेकिन आपको पता है वो दिक्कत में ही रहा करते हैं हमारे पास में। तो आप हर चीज के लिए एक समय आपको लगेगा। इंग्लिश तो यू हैव टू गो, यू हैव टू डू द रिग्रेस वर्क रेगुलरली, यू हैव टू डू द रिग्रेस वर्क। समबडी सेइंग के सर मेहनत तो बहुत करते हैं, देर आर ऑलमोस्ट 14 आवर्स वी आर स्टडिंग, राइट, बट द थिंग इज वॉट आई सी और वॉट आई लुक इन टू द पैटर्न ऑफ द स्टूडेंट्स, आई सी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग द रॉन्ग थिंग इन अ वेरी परफेक्ट वे। दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग, दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग इन अ वेरी परफेक्ट वे। वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू अ राइट थिंग इन अ राइट वे, यू हैव टू डू अ राइट थिंग in a very right way, not the wrong thing in a very wrong thing in a right way. So, what I want to say, आप मेहनत करें, लेकिन मेहनत की direction आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको उसका result मिल पाएगा। अब मेरे ख्याल से मैं ये बात कह रहा हूँ तो somebody saying सर कुछ समझ नहीं आया,
मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपको. फर्स्ट यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर. प्रॉब्लम ये है, वी आर स्टडिंग एंड स्टडिंग वेरी हार्ड, लेकिन फिर भी हमारे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, या शायद हम मगअप कर रहे हैं, या शायद हमारे को टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो भी मगअप करा रहे हैं. मैं देख रहा हूँ इस समय काफ़ी बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं तो मगअप कर रहे हैं, या कई टीचर्स भी मैंने देखे हैं जो केवल कहते हैं आओ हेडिंग सब हेडिंग में रटा देता हूँ आपको और पीछे पीछे आप भी रट लो. बिलीव मी दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. यू हैव टू डू वेरी कंसेप्चुअल रीडिंग और यू हैव टू डू वेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट. मैं जैसे बात करूं अपने सब्जेक्ट की, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है ना. अब एक छोटा सा कंसेप्ट आया करता है, व्हाट इज ई कॉमर्स. तो आपको जनरली पता है ई कॉमर्स इज बेसिकली डूइंग द कॉमर्स और कमर्शियल ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, है ना. यही पढ़ा है अपन ने सबने और यही हम लोग जानते हैं अच्छे से. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या इतना लिखने से एग्जाम में मार्क्स मिल जाया करते हैं? बिल्कुल नहीं. द प्रॉब्लम इज वॉट इंस्टीट्यूट इज डिजायरिंग फ्रॉम यू, वो हम आपको बताने जा रहे हैं. इंस्टीट्यूट को अपने कीवर्ड चाहिए. अब मैं रिसेंटली बात करूं, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वॉज चेकिंग ए कॉपी ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट विच हैव टेकन क्लासेस फ्रॉम सम अदर टीचर, बट शी केम टू नो अबाउट मी थ्रू यूट्यूब एंड देन लेटर ऑन शी केम टू नो अबाउट दिस वेबिनार ऑल्सो. आई थिंक शी इज अटेंडिंग हियर. मैं नाम नहीं लूंगा उसका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर. But I was checking the copy and I told her, you are lacking the keywords. You have to write the keywords. If you are writing the EIS paper, then you must write some technical words in it. If you are writing the management paper, strategic management paper, then you must write some management terms. For example, suppose the definition of e-commerce comes out. So you have five keywords in them. You start with the first chapter, that is e-commerce chapter. If you start with chapter number four, that is generally we start with our course, then you will find there are five keywords in it. Number one, it is done business electronically. So you have to write the word business electronically. That is must. Number two, it is performed between a buyer and a seller and some website, some trading partner. So three words should be there: buyers, sellers and trading partner. Number three, it is safe and reliable. Number four, it is performed through computers, through mobile apps and through other means. So you have to write the keywords. If you are missing the keywords in the examination and if you are missing the main crux of the question, then you are not going to score anything. And this is the major problem with the students which we come across. Jab hum copy check kiya karte hain, we find bachcha ye likh hi nahi raha hai. ना वो तो आईटी की कॉपी में लिख रहा है, ना वो ईआईएस की कॉपी में लिख रहा है, ना वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कॉपी में लिख रहा है, और ना ही वो पुराने कोर्स का जो मैनेजमेंट का था उसमें वो लिख रहा है. वो बार बार उसी चीज को लिख के आता है जो वो हर बार लिखा करता है, और उसके पास वो कोई कंसेप्ट क्लैरिटी भी नहीं है उसको करना कैसा है. और इसीलिए कई बार जब वो हमारे चैनल पे आया करते हैं तो हमारे लेक्चर्स को देखने के बाद, जैसा कि आप सबको पता है वी हैव अ यूट्यूब चैनल नेम्ड एज प्रोफेसर जे एस बत्रा और बत्रा सर. We have also launched our app, which is Batra Sir app for CA preparation, and it has been launched with one of the India's leading digital platform, Copy Kitab, and it is a very good platform to be associated with, and I am proud of that. Okay, Copy Kitab and myself both are giving a very good platform to the students, and some of the lectures, some of the test preparations we have given them as free. So let us come to the point now, what we should do and do not in the CA examination. So straight away we are taking the topic, what we should do and we should do not in the CA examination. मैं मान के चलता हूँ आप अपने साथ एक कॉपी पेन लेके बैठे होंगे. यू शुड ऑल्सो नोट डाउन बिकॉज योर अटेम्प्ट इज नॉट फार अवे. यू हैव टू राइट और यू हैव टू टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली. नंबर वन, रेफर टू योर पास्ट पेपर्स एंड आरटीपी. एज यू ऑल नो आई ऑलवेज कम अप विद एन इम्पॉर्टेंट सीरीज एंड व्हाट आई से, मैं हमेशा कहा करता हूँ इंस्टीट्यूट के आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर्स आ जाने दो एक बार, उसके बाद मैं अपनी इंपॉर्टेंट सीरीज दूंगा. And if you go by my important series, I assure you, almost your 60 to 90% paper is covered. Since last 2-3 attempts, I am also
giving these important questions in the YouTube channel also, and students are finding almost 90% papers are coming from that also. So what you do, you have to refer past papers and RTP. Number two, you have to practice papers and test series very rigorously. In our app also, we have given very very good amount of test papers, either in the old course or in the new course. So you have to go. You have very ample number of test papers over there. आप उसे free resource में भी प्राप्त कर सकते हैं, and you can find out at very very small amount of I think almost 39 rupees per test. Avoid unnecessary social media. है ना, मैं I'm covering all kind of social media for it. वैसे तो आज का जमाना ऐसा है कि we can't be away with the social media. लेकिन मैं कहूँगा इसको आप minimize करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप एक बार इसमें बैठ जाते हैं तो आप समय का कुछ पता नहीं चलता है. As a CA student, you must avoid these things, Instagram, especially TikTok and other things. If you are using YouTube for your study purpose, good. If you are using your WhatsApp group for your study purpose, good. Lekin, baki cheezon ke liye, gossips ke liye, idhar udhar ki cheezon ke liye, you must avoid them. Limit your sleep time to only 6 hours a day in total. Aap chahe ek baar mein, chahe beech mein nap lene ke liye, ek ya do baar mein so rahe hain, then you should take only 6 hours a day. It means you have to study almost 18 hours. अभी तो जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, मोस्ट ऑफ यू आर एट होम. लेकिन अर्लियर डेज में जब आप कोचिंग पे भी जाया करते थे, ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स शायद आपकी कोचिंग पे फेस टू फेस या डिफरेंट सोर्सेज से चले जाया करते थे. बट अब आपको एटलीस्ट 18 आवर्स ए डे पढ़ना चाहिए, और बिना पढ़े देर इज नो स्कोप ऑफ गेटिंग फर्दर. यू मस्ट रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज. इट इज बींग सेड, if you do not revise 3 times or at least, then the institute is ready to revise in 3 attempts you. Iska matlab aapko ek bar course karna hai aur kam se kam 3 bar usko revise karna hai, tab you can find your way out of it. Otherwise institute will make 1 or 2 repetitions for you, that is for sure, and that is my experience of last 31 years of 62 CA exam attempt. Next, concentrate on what you are studying and avoid show off of X hours of you spent consistently at your library or doing something else. आपको किसी भी तरीके के show off से बचना चाहिए, ना आपको किसी के दूसरे जैसा बनना है. You better be yourself. आप अपने दिमाग में बिल्कुल clear होने चाहिए what I am going to do. Next, write notes while reading because it helps you remembering the point. है ना, कई लोग written practice ही नहीं करते हैं, सुन लेते हैं, बार बार lecture देख लिया करते हैं. It is not going to help you. लिख के याद करना शुरू करें, एटलीस्ट की वर्ड्स को लिख के याद करें. है ना, हम अपनी क्लासेस में भी जब हम पढ़ाया करते हैं तो बच्चों को लिखवाया करते हैं, लगातार लिखवाया करते हैं, और पढ़ाते हुए हम कम्युनिटी रिवीजन भी किया करते हैं. बच्चों को घर पे भी हम कहते हैं यू डू द कम्युनिटी रिवीजन एट होम. सो व्हाट इज बेस्ट, यू शुड रिवाइज एंड यू शुड राइट डाउन ऑल्सो, सो दैट इट एनहांसेस योर कैपेसिटी ऑफ इनहेलिंग. रिड्यूस द सोशलाइजिंग एज सच, बर्थडे, सोशल पार्टीज और इन में जाना जहां तक हो सके आप अवॉइड करें. वैसे भी लॉकडाउन का पीरियड है तो अभी आपको अवॉइड ही करना चाहिए, पर फर्दर मैं बात करता हूँ, ये लॉकडाउन ऐसा नहीं है जिंदगी भर रहने वाला है, ये खुलेगा, अनलॉक भी होगा, हम फिर से पुराने दिनों में जाएंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से फाइनल में आ जाएं तो ये सब काम करना शुरू कर दें. मेक योर स्टडी शेड्यूल एंड स्टिक टू इट. एक बार आप अपना शेड्यूल बना लेते हैं तो बकायदे उस पर बने रहें, उसको स्ट्रिक्टली, रिग्रेसली, मिटिक्यूलसली, रिलीजियसली, जैसा डॉक्टर कहता है ना अपने को प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना होता है, वैसे अगर आप अपना शेड्यूल बना लेते हैं अपने टीचर के साथ बैठ के, यू मस्ट रिग्रेसली एंड रिलीजियसली फॉलो इट. कीप काम एंड प्लान 1 डे बिफोर द एग्जाम, ठीक है ना. जैसे आप हमारे चार्ट्स जो होते हैं लास्टली, है ना, चार्ट्स, ऐसा नहीं है शुरू से चार्ट से पढ़ना शुरू कर दें. आप चार्ट को लास्ट में रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हैं, और अपने भी चार्ट बना सकते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे. एक खास बात जो मैं कहना चाहूंगा, बीइंग एन एग्जामिनर एंड पेपर सेटर, आई वांट टू रिवील समथिंग बिफोर यू. डोंट ट्राई टू स्ट्रेच द आंसर्स. रिमेंबर योर एग्जामिनर इज एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. है ना, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो उसको जनरली टेक्नोलॉजी के लोग चेक कर रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम माई सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट लाइक कॉस्टिंग, FM, अकाउंट्स, ऑडिट, ये जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करते हैं. सो ही और शी कैन सी थ्रू योर बुलशिट आंसर्स, what you are writing. So don't annoy them.
विद योर बोगस आंसर्स, है ना। कहीं जरूरत नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रावेजेंट हो जाने की या कुछ ऐसा लिख देने की जिससे आप उसे जो है वो परेशान करें या उसे अनॉयड करें। हमें केवल प्रिसाइज होके उतनी ही बात लिखनी है विच इज रिक्वायर्ड। मैंने अक्सर कॉपी में देखा है, कॉपी चेक करते हुए अक्सर बच्चा ऐसा किया करता है और उसे मैं शायद वो गुस्सा ही दिलाता है, अनॉय फील करवाता है। डोंट राइट द सेक्शन नंबर्स इफ यू डोंट नो देम, है ना। मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, मैं डीटी आईडीटी के पेपर्स की बात कर रहा हूँ, फाइनल्स के पेपर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप रॉन्ग सेक्शंस मत लिख के आइए, है ना। इससे तो साफ पता चलता है आप सब्जेक्ट को जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, मगअप करके आए हुए हैं, और ये सिंपली बड़ा एनॉय करता है हमें। सो यू डोंट नो द करेक्ट सेक्शन, डू नॉट राइट इट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल। अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना सीखें और डेली अपने एक डायरी बना के रखें। और मैं आपको बता दूं, आफ्टर 31 ईयर्स ऑफ टीचिंग एंड 62 CA एग्जाम्स ऑफ टीचिंग टू सी ए स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, मैं आज भी एक अपनी डायरी बनाया करता हूँ जिसमें मैं ये लिखा करता हूँ, मैंने कल से आज में क्या नया किया। आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ डे बाई डे। मेरा कॉम्पिटिशन किसी के साथ नहीं है, मेरा कॉम्पिटिशन अपने साथ है। मैं कल से आज अपने आप को कैसे बेटर कर सकता हूँ, मैं कैसे अपना टाइम बढ़िया से मैनेज कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने रिसोर्सेज को बढ़िया से यूटिलाइज कर सकता हूँ, मैं कैसे अपनी चीजों को बढ़िया से याद कर सकता हूँ, मैं कैसे चीजों को कम समय में पूरा कर सकता हूँ, मैं कैसे चीजों को रिवाइज कर सकता हूँ। सो टाइम मैनेजमेंट इज द की टू द सक्सेस। पेपर प्रेजेंटेशन का बड़ा तरीका है, हम अपने क्लासेस में अक्सर सिखाया करते हैं कि किस तरीके से अपनी क्लासेस में आपको पेपर को लिखना आना चाहिए, है ना। हम जो टेस्ट लिया करते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में तो खैर कोई पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं होता, बट देयर इज अ पेपर प्रेजेंटेशन मैथड इन सब्जेक्टिव पेपर्स। 70 मार्क्स ऑफ EASSM, ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स, और ओल्ड कोर्स इसका आई एम सेइंग आर कमिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव थिंग्स एंड स्टूडेंट्स आर वेरी वीक इन प्रेजेंटिंग देयर पेपर्स। इन क्लासेस ऑल्सो आई से व्हेन यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द समबडी देन यू मेक योर सेल्फ इन सच ए वे दैट यू आर प्रेजेंटेबल टू देम, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो वाई डोंट यू डू योर सेल्फ इन सच ए वे दैट जब भी आप किसी कॉपी में कुछ लिखें, आपका टीचर उसको पढ़ के बड़ा इंप्रेस होना चाहिए। सो यूज नंबर्स एंड बुलेट्स ऑल्सो एज फार एज जहां तक हो सके, मेक योर हैंड राइटिंग गुड और एटलीस्ट लीजिबल, क्योंकि अब जैसी बन चुकी है उसमें तो कोई चेंजेस हो नहीं सकते, बट एटलीस्ट उसे लीजिबल जरूर बनाए, पढ़ने में जरूर बनाए। इसके अलावा निगेटिव प्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं है हमारे को, है ना। आप कोशिश करें पॉजिटिव प्रेजेंटेशन, अच्छी प्रेजेंटेशन अपन उसको रखें। एंड डोंट कैरी पास परसेंटेज मार्क्स बैगेज, है ना। कई स्टूडेंट पिछले अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, दोबारा से एग्जाम अपियर हो रहे होते हैं, उसका कोई भी हैंगओवर लेके अपने को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। जिंदगी बेस्ट पुट फॉरवर्ड का नाम होता है, कभी भी पुरानी चीजों को देख के हम आगे नहीं बढ़ा कर सकते, वो पुराना बोझा आपको उतार के आना पड़ेगा। सो डोंट कैरी योर पास मार्क्स बैगेजेस, आप हमेशा आगे बढ़े, चीजों को कैरी फॉरवर्ड करके देखें। एंड डोंट पैनिक एट ऑल, ठीक है ना। कई बार लोग क्या होता है, सब कुछ हाथ में होता है लेकिन पैनिक करके खो दिया करते हैं, है ना। मैं क्रिकेट की बात करूं, इंडिया में भी और दुनिया के कई प्लेयर्स भी पैनिक में आके लास्ट स्लॉग ओवर में मैच खो दिया करते हैं, है ना। ओनली द टफेस्ट पर्सन इज गोइंग थ्रू। सो व्हेन गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। आप इस बात को जरूर ध्यान रखें, जब काम करना मुश्किल होता है तो उस मुश्किल हालातों में जिस व्यक्ति ने काम किया होता है वही काम कर पाता है। सो दीज वर सम गोल्डन पॉइंट्स विच यू मस्ट फॉलो, एंड आई विल बी कमिंग रेगुलरली थ्रू वेबिनार्स। इन बिटवीन आई मस्ट मेक एन अनाउंसमेंट, ऑन थर्सडे आई एम कमिंग बैक एट 5 PM विद अनदर टॉपिक विच वी विल टोल्ड टू यू थ्रू आर टेक्निकल टीम वेरी सून। नोट द टाइम, वी आर कमिंग लाइव ऑन 18/6/20 in the evening at 5 PM and we will be giving you some more intakes to take from our lectures and other things which we have come across over a period of time. So this was one point ke main aapko batana chahta tha ki institute ke exam mein aur aapke likhne mein kahan kya problem rehti hai jisko aap thoda sa proper tarike se kar sakte hain. Now let us come to the second point जो है इंस्टीट्यूट का आज का अनाउंसमेंट। मेरे ख्याल से आप सबने पढ़ लिया होगा, अब इतना सर्कुलेट हो चुका है कि मुझे शायद बहुत ज्यादा आपको उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, यू मस्ट बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन फिर भी कुछ नट्स एंड क्रक्स को मैं इमीडिएटली आपके सामने बता देता हूँ और फिर मैं आपके क्वेश्चन को ले लूंगा, आपके क्लैरिफिकेशन को ले लूंगा। जैसा कि आपको पता है, देयर इज अनाउंसमेंट बिफोर योरसेल्फ ऑल्सो।
इंस्टीट्यूट का कहना था देर वॉज दे हैव रिसीव्ड ए मिक्स एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन बोथ रिलेटिंग टू होल्डिंग द एग्जाम एंड नॉट होल्डिंग टू द एग्जाम इन दिस पैंडमिक टाइम. कुछ स्टूडेंट चाहते थे एग्जाम जो है वो 29 से ही हो, कुछ स्टूडेंट चाहते थे इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, सो दे हैव कम अप विद द ऑप्ट आउट ऑप्शन. मतलब जो स्टूडेंट 29 से एग्जाम देना चाहते हैं वो जरूर दें, और जो लोग इसको ऑप्ट आउट करके नवंबर तक ले जाना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी अपने एक विंडो खोलने जा रहा है, उसके थ्रू ऑप्ट आउट कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अब आपके पास दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इस जुलाई में एग्जाम दे दें, और दूसरा ऑप्शन है आप नवंबर में चले जाए. ठीक है, लेकिन यहां पे एक क्लैरिफिकेशन और है. इंस्टीट्यूट कहती है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हम डिसाइड करेंगे लुकिंग एट द सिचुएशन इन द कंट्री एंड एमएचए गाइडलाइंस क्या हो रही हैं. अब यहां पे मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है विच आई वांट टू से टू द स्टूडेंट्स. आज की तारीख में अगर बात करें, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली एंड मुंबई. पूरे देश भर में तो स्थितियां हम सबको पता ही हैं, लेकिन मैं स्पेशली दिल्ली और मुंबई की बात करूंगा जहां हालत बहुत खराब हो चुके हैं. डे बाय डे द केसेस आर इंक्रीजिंग, है ना. और मैं बड़ा टच में भी रहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के व्हाट इज हैपनिंग, और कुछ डॉक्टर्स लोगों के भी, सिंस आई एम कमिंग फ्रॉम द डॉक्टर्स फैमिली ऑल्सो. तो मुझे पता है बहुत स्ट्रिक्ट जो है एक लॉकडाउन फिर से दिल्ली पे इन्फोर्स होने जा रहा है प्रॉबेबली फ्रॉम 18 ऑनवर्ड्स. और शायद ये ऐसा होगा कि जैसे प्रेसिडेंट रूल टाइप का कुछ लगा हुआ है, किसी भी बंदे को शायद बाहर नहीं आने दिया जाएगा, और घर घर शायद सर्वे करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. दिस कैन हैपन इन मुंबई ऑल्सो. सो इन दिस सिचुएशन मुझे नहीं लगता है आप जुलाई अगर भरते भी हो, जुलाई ऑप्ट आउट भी करते हो, तो आप एग्जाम शायद दे पाओगे. आपको चॉइस है, यू कैन गो फॉर द जुलाई ऑल्सो, बट इन माई ओपिनियन, है ना, दिस इज माई ओपिनियन कि शायद जुलाई में भी हम नहीं कर पाएंगे एग्जाम, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होगी. शायद रिसोर्सेज हमें नहीं मिल पाएंगे, स्कूल कॉलेजेस विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो शायद हो सकता है आपको बिल्डिंग्स दे देंगे, लेकिन बाकी की फैसिलिटी, आपको सैनिटाइजेशन करना, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वो करना शायद बहुत मुश्किल होने जा रहा है. और मेरे ख्याल से आपके आसपास भी शायद इतने केसेस होंगे कि निकल के बाहर आना मुश्किल रहेगा. और फिर सपोज करें आप वहाँ चले जाते हैं और किसी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो घर आके शायद हम वो घर वालों को भी वो कोविड जो है वो स्प्रेड कर देंगे. तो हमारे साथ एल्डरली पीपल रहते हैं, इस सिचुएशन को जरूर हमें हैंडल करना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में. नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूट विल ओपन देयर विंडो फ्रॉम 17. हेलो, या सो दे आर ओपनिंग देयर विंडो फ्रॉम 17 टू 20 जून फॉर द 4 डेज, ताकि आप चाहें तो सेंटर्स के लिए और सेकंड ग्रुप के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं. और यहां एक अनाउंसमेंट जरूर है ओल्ड कोर्स के लिए. दे आर सेइंग दैट फॉर ओल्ड कोर्स स्टूडेंट दे आर गेटिंग वन मोर अटेम्प्ट. मतलब इफ दे आर अपियरिंग इन जुलाई, then they can also give exam in November also. What it means? It means if they opt for the July and if they fail in the July attempt, then November attempt is also for them. अब बात करते हैं for those student who do not opt the July attempt, तो फिर उनके लिए केवल November attempt ही रहता है. And similarly for the final student, old course में बात करूं, उनके लिए November 20 is the last attempt. So if you are going for the July attempt for any reason, तो आप जुलाई में भी एग्जाम दे सकते हैं. एंड इफ यू आर नॉट क्लियरिंग फॉर एनी रीजन, देन यू हैव अ नवंबर अटेम्प्ट आल्सो. इसका मतलब फॉर ओल्ड कोर्स इट इज बेनिफिशियल. एक तो मैं कह सकता हूं इसमें ओल्ड कोर्स के लिए ठीक है कि एग्जाम अगर हो जाता है किसी भी तरीके से, है ना, जिसके होने के चांसेस कम है, तो उनको दो अटेम्प्ट एटलीस्ट मिल जाएंगे, जुलाई का और नवंबर का. अदरवाइज बाकी लोगों के लिए ऑप्ट आउट करना और नवंबर अटेम्प्ट जो है उसके साथ मर्ज करके एग्जाम देना ये बचा करता है. लेकिन ये सारी सिचुएशंस विल बी क्लियर्ड बाय आई थिंक इन द जुलाई फर्स्ट वीक इटसेल्फ. सो दिस वाज अ सेकंड टॉपिक विच आई वांट टू क्लैरिफाई बिफोर टेकिंग योर क्वेश्चंस. एक तीसरी चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, लुकिंग एट द सुशांत सिंह सुसाइडल अटेम्प्ट एंड अल्टीमेटली ही हैज टेकन टू द हेवनली अडोब. मैं हमेशा से कहता रहा हूँ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेरी प्रेशराइज्ड. IITs, even medical students are also getting the pressure. तो जरूर इसके बारे में हमें करना चाहिए. And I have been writing on different platforms. और recently इस घटना को देखते हुए मैंने सोचा है मैं बहुत जल्दी इसके लिए प्रेजेंटेशन जो है वो PM साहब को भी भेजूंगा. वो मेरे ख्याल से इन सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो जरूर इस स्थिति में परिवर्तन आना चाहिए. सो दीज आर द थ्री थिंग्स. मैं बहुत जल्दी एक हैशटैग खड़ा कर रहा हूँ, आस्क बत्रा सर,
जहां मैं आपके सभी तरीके के क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं। आफ्टर दिस वेबिनार इज ओवर यू विल बी फाइंडिंग मी ऑन ट्विटर, देर विल बी हैशटैग आस्क बत्रा सर, वहां पे आप अपनी और प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं जो इस वेबिनार में शायद हो सकता है आप ना पूछ पाए या मुझसे नहीं आपका इंटरेक्शन हो पाए या आप आफ्टर थॉट में कुछ पूछते हैं, देन यू कैन आस्क मी ओवर देयर। और इसके अलावा भी लाइफ से जुड़ी हुई किसी तरीके की दिक्कत आप झेला करते हैं, बींग ए लाइफ कोच ऑल्सो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन दिस ऑल्सो। सो नाउ आई एम ऑफरिंग दिस फ्लोर अप ओपन फॉर द डिस्कशन और आई विल बी answering your queries also. Queries लाए, zoom पे queries लाए। You can unmute your mics and you can ask. Sir, can you tell your Twitter ID? Twitter ID is @ BatraJS. It is, I am writing here, @ BatraJS, and I will be giving answers to you on hashtag ask Batra sir. Ask Batra sir. Now you can unmute your microphones and you can ask any query. Hello. Yeah. Sir, will number of attempts be considered for getting a job? First, identify yourself. Who is calling? Hello. I will be to everyone. Please introduce yourself first, your city, and then you ask your questions. Okay, sir. Hello. Hello. Yeah. My name is Rajesh. Okay, Rajesh. Okay. From which city you are calling? From Guntur. From Guntur. Yes. Yeah. Yes, Rajesh from Guntur. Ask your question. Yeah, sir. Will number of attempts be considered for getting a job in CA? No. There is no consideration of number of attempts in the exam. In after clearing the CA exam, your knowledge is being checked. I myself has been in the some of examination as well as some of the panels in which we are taking students on board. So we do not consider their number of attempts. Generally, we check their knowledge. I think Rajesh, you have got your answer. Yes, anyone? Unmute the mic. Unmute the microphone. Saro, we can do. You can unmute your microphones. Vivek. Vivek. Yes, sir. We are live. Please make all the. Yes, anyone? In between, I want also make an announcement here. We will be giving your second group of CA intermediate old course and new course at a very 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 affordable price, and that will be announced on 18. So you have to come to 18 webinar. There will be unveiling very good affordable price second group offer for all of you, and it will be given from my side, and you will be getting very very good lectures from very eminent faculties. Just like me, I have experience of 31 years, almost 62 CA exam attempts. My other faculties are almost having 25 years experience of exam. Some of them are 20 years of exam attempt experience. Some of them are 20 and 18 years. And all of them are stalwarts. So we'll be giving you a very good offer along with second group four subjects. And that will only be available to you on the Copy Kitab app. That is only available on
copy kitab app that you have to download from the Google. The name of the app is Batra Sir CA app for CA preparation. Yes. Hi, sir. I'm Jayesh from Bangalore, sir. Yeah, Jayesh. Sir, I have a doubt that regarding some announcement recently from ICI that if you don't score 20% of your marks, your two attempts will be cancelled. I think that will be sorted out. Okay, don't worry about that. That will be sorted out. Then can you tell us, like, how do we attempt, like, in ES, how do we answer the answer, sir, for the question? Yeah. Just in the previous example, I said, suppose you have a question, what is e-commerce? Then you have to write five key points for that. Number one, it is done business electronically. So business electronically is the keyword. You write anything else, but this business electronically word must comes into the answer. Number two, it is done between buyers, sellers and business partner like Flipkart or Amazon. So this second point should be coming out. You says it is between a buyer and a seller and business partner. Number three, it is reliable. Number four, it is secure. Number five, it is through mobile application or it is through website. So these are the five key points which you must answer in your copy. If you're not giving this and you're writing something else, then it will not be evaluated and as such by the examiner and you will not be getting some marks. After every exam, through RTI, I am getting almost 500 or more than that copies every attempt. And I have been seeing the copies and students are repeatedly doing this kind of mistake. So recently, I have checked some of the copies also. And I have also taken one of the example in this live session also. I'm not unveiling the name of that student, but I have seen that kind of problem also. So you have to write the keywords. Sir, but for like certain questions, if there is like some general question, can we answer it on our own? Like I don't have any example right now. Like if the topic is general. Every question is having certain key points in it. You have to identify certain key points in that, then you have to answer. Suppose question comes out on the cloud computing. Yes, sir. Then what you will write? Suppose I think you have now studied this subject very well. Suppose I ask you, what is cloud computing? What is your take? What you will answer? What is cloud computing? Right now, I haven't touched upon the chapter, sir. Okay, so which chapter you have touched? Yes, I haven't touched. I have touched strategic management, sir. Strategic management. Which chapter? First three chapters. So portfolio analysis, you know very well. Yes, sir. So what is portfolio analysis? If I am asking as examiner, what is portfolio analysis? What description you will write? How you write your answer? Analysis of different types of business is known as portfolio analysis, sir. No. You have to start in this way. Every business or business group have different kind of businesses in which they are helping them day in, day out. You have to make certain presentation before that. And then you come to your main answer. Aap jaise na bhumika bandhni hoti hai, you have to make your bhumika before that. And then you must begin your answer. So you do. If there are certain businesses, then some of the businesses may be at top, some may be in low state of business. So they have to perform a portfolio or business analysis to find out which are good, which are not so good, so that they can compete in a analysis or they can compete in a business environment. So you have to write in that way. Sir, can I ask you another one doubt, sir? Yeah, why not? So one question is like competitive landscape. What are the steps of competitive landscape? Yeah. What is competitive landscape? Hello. So it's like identify your competitor. Those are five steps are there, sir. Huh. So if you write the headings on the as it is. Yeah, you have to write. Yeah, this is the very important point. You have. Yes. You have to write the headings as such of ICA. Start karo. Students are giving their headlines and which is not coming as per the terms of ICA.
So sir, you have to write the headings as such as ICI is giving. Don't put your words in the headings. But the content itself, it can be on Yeah, you can have your own content. You can have your own content. But as far as hiding is concerned, you must write the headings. Starting na kar raha bakwa kar raha. Kya karenge bol? Chalta hai bhai. Charging ho ja rahi hai. Yes. Anyone else? I think Jayesh, you have got your answers. Yeah. I have got. Yes. Anyone else? I'm hearing many student voice. But please ask one by one. You can unmute your mic. Sir, I'm Sandeep from Vizag. Sandeep from? Vizag. Yeah, Sandeep. Yes, sir. Sir, is there any possibility to get exemptions in the theory papers as well? More I'm not getting 60. Your point clearly. Please ask again. Sir, is there any possibility of getting exemption in theory papers also, just like accounts FR, like that? If you are giving all the papers, then there is a chance of exemption. If you are giving only three papers. Yes, sir. Many of the students will say that in theory papers, it is not possible to get more than 60 marks. Like that, they will say, no, sir. Is that really true? I'm asking. Is this really true? If you are attempting paper well, you are getting 60 plus marks, definitely you are going to get the exemptions. What is the problem in that? Why students are saying this? Theory papers means the examiners will not give 60 marks. That's why they are. Who says students are not giving? If you are looking at this, three of my students are in my photo frame with me. They have scored 78 marks. Oh. Who says students are not compelling themselves to get marks? Yes, sir. Who says institute is ready to give marks? But you have to come to that terms also. You are not writing up to that particular level. We are ready to give marks. Institute is very generous in allocating marks, but problem is students are not coming up to the terms in which they have to. Our Jodhpur student, one thing let me clear, we are from Jodhpur, this is called as CA Nagari. We are always showing the double result than the national average. Earlier in my webinar, I told the national average of all the results starting from foundation to final is 18%. In Jodhpur, we are giving almost 40% result. In all of the levels and year by year and attempt by attempt. There is no problem with that. I personally am saying I have taught almost 2 lakh students and almost 20,000 students or 20,000 chartered accountants are being working in India and abroad. I have my own alumni. I have a very large group of my CA students linked with me in LinkedIn. And they are getting good jobs because of my different channels. So it is not difficult. It is always possible. Okay, Sandeep, I think you got your answer. Anyone else? You can unmute your microphone and you can ask. Aap Hindi mein bhi pooch sakte hain. ऐसा मत समझिए कि अंग्रेजी में ही केवल आपसे बातचीत की जाएगी. यू कैन आस्क इन हिंदी ऑल्सो. मैं तो भाई 6 भाषाएं बोल लेता हूं. आप पंजाबी में भी पूछ लेना, सिंधी में भी पूछ लेना, मारवाड़ी में भी पूछ लेना, गुजराती में भी पूछ लेना. आई विल आंसर. Yes, anyone else? Last 5 minutes, I will be available for last 5 minutes. Then we'll be closing this webinar for today. We'll be meeting again on Thursday 18 at 5 p.m. We'll be live and we'll be touching some more important topics. And we'll be giving a very good offer to you, all of you, for the second group of CA Inter Old Course and New Course. At a very, very good price.
So what is the ID for Thursday's webinar? For the webinar of 18th? Yeah. We will be giving you through email, just like it's you have got the email. It will be on 5 p.m. WhatsApp also, will you do it on the WhatsApp? We'll be giving you through email, through WhatsApp, through different modes. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, are you conducting the test series 100 marks full? Yeah, we are going to conduct the test series. Now, everything will come up on our Batra Sir app on Copy Kitab platform. Everything will be on Copy Kitab platform. You have to download our Batra Sir app from the Google. You will be getting so many things over. There are so many free resources over there. Test series is free of cost only, sir. We need to pay any amount. We have uploaded several test series of old course, new course, for IT, for SM, for EIS, for SM. You can go through. In our free resource section, you will get all these test free test series available, test papers available. Okay, sir. Okay. Thank you. So what is the copy thing which you told? Copy? It is Copy Kitab platform. It is one of the India's largest digital platform of having digital books, e-books, lectures. Copykitab.com. K-O-P-Y. Okay, sir. It is K-O-P-Y. KITAB.com. Okay, sir. Recently, Copykitab.com has also ventured with Lenovo and Intel to give you the different kind of digital content also. So it is one of India's leading platform. The other two leading platforms are from US. So this is only platform of India which has collaborated with Intel and Lenovo. And we have happily collaborated with Copy Kitab for giving our CA lectures over there. Are there any free resources available on Copy Kitab, sir? Yeah, there are so many free resources available. You have free lectures over there. You have free summary notes over there. You have important question series over there. You have free test series over there. There are so many things over there. And we will upload. Is it just CSM or all subjects available, other subjects also? Presently, only the EASSM and ITSM and ISCA is available. My subject is available, but we will be coming up with audit, law, then we'll be coming up with advanced account, and then we'll go to the first group also. And then we'll come up with the finals also. So in the near future, everything will be there. As far as CA course is concerned, you will get from CA foundation to CA final, everything over there. You have to download our Batra Sir app for CA preparation. Before exams, we'll get it, sir. Before definitely, July. Definitely. Okay. We are trying to come up all these things within this month itself. Before we end up within this June month, we will be coming up with so many things. Sir, can we share our certified copies to you? Sure. My WhatsApp number, you can note. It is 9414127751. This is my WhatsApp number. You can share your certified copies to me and you will be getting answers what you should do. Okay, sir. Okay. Thank you. And you can also ask questions to me on hashtag Ask Batra Sir on Twitter. Any more queries? We are going to finish. Anyone else? Will this video be uploaded on YouTube, sir? Yeah. Definitely. So that I can share it to other friends also. Definitely. It is coming up on YouTube today itself.
on my platform Batra sir. You have to subscribe our channel Professor J.S. Batra or Batra sir. You will be getting this video. Yes, yes, sir. Bas, I am closing down. I will be coming just in 5 minutes to you. Bilkul. Okay. Any more queries? So we are finishing up. Last minute. Anyone want to ask something? Okay, then we are summarizing. Our next webinar will be on Thursday 18/6/20 at 5 p.m. You will be notified through our emails, through SMS or through different modes. And I have shared you my WhatsApp number, my Twitter account, and you can ask me hashtag Ask Batra Sir. And this video will be available to you on our Batra Sir channel, on YouTube channel. You can go through and you can also share this YouTube sir, video to others question, also. Sir. You can sir, also get question. This thing on my Telegram channel also. I am available on all kind of platforms. Sir, one more question, sir. Yeah. Sir, ICI has introduced case-based questions, no, sir? Yeah. Case-based scenarios. How that will going to be affected, sir? How that will be going to be? You have unveiled the secret. I am coming a lecture on case-based study on 18/6. Okay, sir. So share this information to others also. I am coming on this topic. 18/6/20, I will be coming up with case-based studies. Okay, sir. Okay, then from... Bye from my side. Bye-bye, sir. Thank you, sir. Stay healthy and enjoy the reading. We'll be back on 18th. Goodbye from my side. Good night.